अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर खैरियत से मौज मस्ती में जहां पर भी होंगे अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और छोटे मोटे गम दुख और परेशानी को तो अपने आसपास भी नहीं आने दे रहे होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है फैशन शो मुल्तान में और HMI यानी कि हमजा मीडिया इंडस्ट्री, जिन्होंने अभी इस्लामाबाद में भी शो करवाए और लाहौर में भी और उसके बाद अब मुल्तान में करवा रहे हैं फैशन शो। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहाँ पर चल के व्लॉगिंग करते हैं और फैशन शो आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से होता है। तो मेरे ये व्लॉग जरूर देखिएगा अगर आप फैशन शो इन्जॉय करना चाहते हैं। स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड। जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं और ये बैंक्वेट हॉल में पहुँच चुके हैं और बस अभी ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। और जनाब बिल्कुल हम लोग पहुँच चुके हैं, हॉल में पहुँच चुके हैं और अभी अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरह से फैशन शो हो रहा है। पता नहीं क्यों यार सही नहीं होते मेरे। चलें आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं और किस तरह से सारा कुछ हो रहा है। ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, रैंप बना हुआ है और तैयारियाँ चल रही हैं। अली आपको अपने न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज का उनवान है HMI प्रेजेंट्स फैशन शो इन मुल्तान। इन मुल्तान, यस। तो वी आर गोइंग जरा ग्रूवी करके जब बोलते हैं ना तो बॉडी वाली आवाज आती है। आप सुन रहे हैं आपका बचपन और ये अक्षय ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे ना थोड़े से पैसे दिए थे, बाकी सब झूठ है आपको पता। आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है और देखते रहें और हसन का चैनल। और ये जिशान भाई देखें ना, ये बच्चे जो है ये इस वक्त मॉडलिंग की तैयारियाँ हो रही हैं, इस वक्त प्रिपरेशन चल रही हैं। हाँ जी, इनको कैट कम बुल वॉक कराया जा रहा है क्योंकि कैट ये है, इनको बुल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो होपफुली वी विल मेक इट कि हम इनको किसी तरीके से सीधे ट्रैक पे चला दें। ये बात चल जाएंगे तो चला लेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर धक्का दे देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सब झूठ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है जिशान भाई के घर, थोड़ा सा मसला हुआ तो वो अचानक से चले गए और मेरे सर पे ये सारी जिम्मेदारी डाल गए कि आपने होस्ट करना है इवेंट को और आयशा गाजी साथ हैं। अभी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन स्पॉन्सर हैं और किस तरह से करना है। खैर करते हैं और देखते हैं, अभी बैक स्टेज पर मैं मौजूद हूँ, देखते हैं। जी बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए हमें, मेरे ख्याल है बहुत देर से यहाँ पे दोस्त जो है इंतजार कर रहे हैं इवेंट के शुरू करने का। जिन्होंने अपने आउटफिट्स को प्रेजेंट करना है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी मॉडल्स है। सो फॉर्मली हम नेचुरल एंथम के साथ स्टार्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेट राइज अप। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नेशनल एंथम के लिए अपनी अपनी सीट पर थोड़ा सा सीट से खड़ा हो जाइए क्योंकि कौमी तराना उसके लिए बनता है कि हम तमाम दोस्त रिस्पेक्ट करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि HMI जिन्होंने इस्लामाबाद में हमजा मीडिया इंडस्ट्री ने इससे पहले इस्लामाबाद में इवेंट करवाया जो कि बहुत कामयाब रहा और बहुत से मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और मुल्तान जैसे शहर को इतनी बेहतरीन इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना हर किसी का काम नहीं है। तो हमजा के लिए थोड़ी सी क्लैप होनी चाहिए और सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए। कम ऑन उमेर खान एंड हमजा जो है हमारे इस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं, उसके साथ साथ और भी टीम है। और जब आप क्लैप करेंगे से थोड़ा सा वार्म अप हो जाएंगे और जो लोगों को यकीनन अच्छा लगेगा। और आप लोग देखिएगा अभी कुछ ही देर में हम इनको स्टेज पे बुलाने जा रहे हैं। आप लोगों ने कि मुल्तान में कोई इवेंट हुआ है तो बिल्कुल इस तरह से ठंडे ठंडे मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा क्लैप होनी चाहिए।
आवाज भाई दो आवाज म्यूजिक बंद नहीं करना अभी अभी नहीं करना गाना लगाओ दोबारा लगाओ गाना मुल्तान में वैसे बहुत कम इवेंट्स होते हैं अगर कोई इवेंट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है तो उसमें भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए अच्छा वैसे क्लैप करना ज्यादा इजी है या शोर करना इजी है चले क्लैप करना इजी है चले देखते हैं आपकी तरफ कितने वोट हैं क्लैप करने वाले कितने वोट हैं कौन करते हैं आज हॉल में चले आप भी क्लैपिंग बताइए पहले शाउटिंग अभी तो शाउटिंग कराए ना ओके जी वॉइस नागरिक वाणी वन टू थ्री खराब हो जाएगा No, boys are not. Okay. So, clap it. So, clapping bhi dekh lete hain. Come on, aap log sab clap kare. Dekhiye, aapki shouting se, aapki cheekhon se zyada achhi clapping aayi hai. Chale, ye to bahut achhi baat hai. To isi tarah se warm up rahiye kyunki sardi bahut hai aur sardi badhti ja rahi hai yaar. Aaj to khaas hi koi sardi hai. Aur ek coat bhi aata hai. Aur aap log bahut achhe lag rahe hain. Aap log apni apni families ke saath maujood hain aur it's totally a family fashion show. Ek family event hai. और उसके अलावा जितने भी उमैर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ब्राइडल वेयर के लिए और आप तमाम डिजाइनर्स का जिन्होंने इतनी मेहनत समरा खान फ्रॉम लाहौर शी इज फ्रॉम लाहौर समरा खान फ्रॉम लाहौर
प्लीज कम ऑन द स्टेज. बहुत ही खूबसूरत आज की वॉक है अपनी सर. तो जितने दोस्तों को ये डिजाइन अच्छे लगे क्लैप एक दफा भरपूर किस्म की होनी चाहिए होली के लिए. और ये पूरी टीम वर्क है बहुत ही एफर्ट्स के साथ आपके सामने प्रोग्राम को शो किया जाता है. बहुत ही बोलोगे इस्लामाबाद तक आवाज जानी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? इंडी क्लैप चार पांच करने आ रहे हैं. अगेन तू जो मेरे हमेशा को कहते हैं ना जनाब कि इंसान करना कुछ और चाहता है लेकिन हो कुछ और जाता है. करने में यहाँ पे व्लॉगिंग गया था, आप लोगों को दिखाने गया था कि मॉडल्स किस तरह से तैयार होती हैं, बैक स्टेज दिखाने गया था, लेकिन होस्टिंग करना पड़ी. तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. व्लॉग तो आज सही तरह से मैं नहीं बना पाया, भंगड़े शंगड़े हुए थोड़े से और उसके बाद उतारने की कोशिश बस चलते हैं, घर की तरफ चलते हैं. इवेंट हो गया और फिर इस ब्लॉग को एडिट करते हैं और एडिट करके अपलोड करते हैं. तो फिर आप लोग जरूर देखिएगा और इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.